लौंगिया मोहल्ले में ट्रांसफार्मर की दीवार जर्जर होने से कभी भी हो सकता है हादसा। नगर निगम और जिला प्रशासन को जल्द देना होगा ध्यान। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। लौंगिया मोहल्ले में लौंगिया हॉस्पिटल के नजदीक पार्किंग वाले स्थान पर लगा हुआ बरसों पुराना विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर के आसपास बनाई गई दीवार काफी जर्जर हो चुकी है, वहीं उसका कुछ हिस्सा गिर भी चुका है। दरगाह पास होने के चलते यह व्यस्ततम इलाका है जहां से जायरीनों का हर वक्त आना जाना लगा रहता है। वहीं जानवर भी इसके आसपास विचरण करते हैं, कई बार करंट लगने से जानवर हताहत भी हुए हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन को कई बार लिखित में इसकी शिकायत की गई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। निवर्तमान वार्ड अध्यक्ष राजेश कुमार ने निगम और प्रशासन से जल्द ही ट्रांसफार्मर की सुध लेकर यहां नई दीवार बनाने की मांग की है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं COVID-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, BPharma और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आप देख रहे हो ये दरगाह के पास में ही लौंगिया हॉस्पिटल है, यहाँ दरगाह पार्किंग है। यहाँ काफ़ी समय से जो आप पीछे देख रहे हो यहाँ ट्रांसफार्मर में स्थित है। ये ट्रांसफार्मर ऐसी जर्जर स्थिति में पहुँच चुका है, इसकी चार दीवार जो है ऐसी जर्जर स्थिति में है कि कभी भी धराशायी हो सकती है। अच्छा। और यहाँ जायरीन या आने जाने वाले जो भी राहगीर हैं वो उसमें दब सकते हैं या करंट की चपेट में आ सकते हैं। अक्सर आपने देखा है कि इसके अंदर कई जानवर घुसे हुए रहते हैं जो कई बार करंट की चपेट में आ चुके हैं। हमने कई बार निगम प्रशासन और पावर हाउस को भी शिकायत इस बारे में कर दी है, लेकिन दोनों ही इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि आप देख रहे हो कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे इस ग्राउंड में खेलते हैं, जायरीनों की गाड़ियाँ आती है, दरगाह से जायरीन आते हैं। ये काफ़ी व्यस्तम इलाका है, फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस ओर ध्यान दें और इस चार दरवाजे का निर्माण करवाएं या फिर इसे जिस भी स्थिति से इसका सोल्यूशन हो सकता है वो करें। आपका नाम? राजेश कुमार गोड़ीवाल, निवर्तमान वार्ड अध्यक्ष।